एक आदमी और उसके ड्राइवर को सुनसान रेगिस्तान में गोल्ड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। वे दोनों उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्ड जमीन में काफी नीचे तक दबा होने के कारण वे उसे निकाल नहीं पा रहे थे। ड्राइवर सहायता लेने के लिए कहीं दूर चला जाता है और काफी दिनों तक वापस ही नहीं आता है। इस दौरान उसके पास वहां रहने के लिए न कोई घर है, न पीने के लिए ज्यादा पानी है। ऊपर से उसे सांपों और जंगली कुत्तों का भी सामना करना है। रेगिस्तान के भयंकर तूफानों ने उसे अधमरा कर दिया है। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आप इस आदमी के हर उस पल को महसूस करोगे जिनको उसने इस सुनसान रेगिस्तान में बिताया है। आपको क्या लगता है कि ड्राइवर के आने तक ये आदमी जिंदा बच पाया होगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिरकार यह आदमी कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में एक ट्रेन को दिखाया जाता है, जिसमें वर्जिल नाम का एक आदमी बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसके डिब्बे में एक औरत और एक बच्चा भी होता है, जो देखने पर काफी गरीब और भूखे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर वर्जिल को उन पर दया आ जाती है। वही थोड़ी देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है, लेकिन उतरने से पहले वर्जिल उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। यह जगह काफी सुनसान है और यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान मौजूद है, इसलिए वर्जिल उतरने से पहले ही अपने लिए एक कार बुक कर देता है। वह दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे अपनी भाषा में कुछ बोलते हुए पीछे की तरफ इशारा करता है। वर्जिल को उसकी भाषा तो समझ नहीं आती, लेकिन वह उसके इशारे को देखते हुए आगे जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उसे वहां एक टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट अंदर से बहुत ज्यादा गंदा होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इस वजह से उसे वही टॉयलेट यूज करना पड़ता है। कुछ देर बाद वर्जिल ने जो गाड़ी बुक की थी उसका ड्राइवर आ जाता है और उसे आवाज लगाता है। अगले सीन में हम कीट और वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं। उन दोनों के बीच में भाड़े को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर पहले से तय कीमत से ज्यादा भाड़ा मांग रहा होता है, क्योंकि वर्जिल यहाँ नया होता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद वर्जिल को गर्मी लगती है, इसलिए वह गाड़ी की एसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। कीथ उसे रोकते हुए कहता है कि एसी की वजह से गाड़ी पर प्रेशर बढ़ जाता है और कार बंद भी हो सकती है, इसलिए वह एसी ऑन नहीं कर सकता। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर बदलने के लिए वह एक जगह रुकते हैं, जिसमें वर्जिल भी उसकी हेल्प करता है। तभी इस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और उनमें से एक कुत्ता तो पूरी तरह से घायल हो जाता है। तभी कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हुआ था उसको वह वही मार देता है। कार का टायर बदलने के बाद एक बार फिर से वह दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह दोनों एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। तभी कीथ वर्जिल से कंपाउंड जाने की जगह पूछता है और बोलता है कि उस जगह तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, आखिर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वर्जिल उसे बताता है कि उसने न्यूज में नौकरी का एक एड देखा था, इसलिए वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है और कीथ आराम कर रहा होता है। कीथ को सोते हुए देखकर वर्जिल एसी की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन इससे गाड़ी के इंजन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता और गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ को वर्जिल की हरकत समझ में आ जाती है और वह उसे काफी खरी खोटी सुनाता है। जब कीथ गाड़ी को सही कर रहा होता है, तभी वर्जिल आसपास टहलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ अजीब से पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह पत्थर नहीं बल्कि सोना है। वह तुरंत कीथ को बुलाकर उसे वो पत्थर दिखाता है। कीथ उसे बताता है कि अगर जलाने पर यह काला पड़ जाता है तो यह सोना नहीं बल्कि पत्थर है। जब कीथ लाइटर से उसे जलाता है तो वह अपना रंग नहीं बदलता, इससे यह तो साफ हो जाता है कि यह पत्थर नहीं बल्कि सोना है। यह देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसको बाहर निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं, लेकिन यह सोने का पत्थर काफी बड़ा था और जमीन में काफी नीचे तक दसा हुआ था। इस वजह से काफी खुदाई करने के बाद भी वह दोनों इस पत्थर को हिला भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस पत्थर को गाड़ी से बांधकर खींचते हैं, लेकिन उनका यह प्लान भी फेल हो जाता है। खुदाई करते करते हैं उनको शाम हो जाती है। तभी कीथ वर्जिल को बताता है कि इस इलाके में काफी जंगली कुत्ते रहते हैं, इसलिए उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों आग जलाते हैं और बैठकर सोचने लग जाते हैं कि आज अचानक कैसे उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ तो खुशी के मारे नाचने ही लगता है।
कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है कि वह इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन्हें बाहर से किसी की मदद लेनी होगी। कीथ उसे बताता है कि वह शहर में कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने के लिए मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वह मशीन लानी होगी। इसके लिए कीथ वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि यह जगह काफी खतरनाक है, यहाँ तुम अकेले नहीं रह पाओगे क्योंकि मशीन लाने में तो काफी समय लग सकता है। वर्जिल शहर जाने के लिए मना कर देता है। वह कीथ को बताता है कि वह इस शहर में नया है और वह यहाँ किसी को नहीं जानता है। वह कीथ को यही रुकने के लिए बोलता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मजबूत आदमी है और वह यहाँ रहकर अपनी रक्षा खुद कर सकता है। अगले दिन कीथ शहर जाने से पहले वर्जिल को यहाँ रुकने के लिए कुछ जरूरी सामान देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन और कुछ काम की चीजें होती है। वहां जाने से पहले वर्जिल को बोलकर जाता है कि उसे वापस आने में 5 दिन का समय लग जाएगा, इसलिए तब तक वह संभल कर रहे हैं और अपना ध्यान रखें। उसके जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। उसके बाद वह रात के लिए लकड़ी डहियां लेकर आता है और रात होने पर वह खाना खा लेता है। तभी उसे कुछ जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। वह डर के मारे अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अपना पेट साफ करने के लिए फ्रेश होने जाता है। तभी वह सोचने लगता है कि लैट्रिन धोने के लिए उसके पास पानी कम है। तभी उसका फोन बजता है और वह लैट्रिन धोए बिना ही फोन को उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब तक वह पूछता उससे पहले ही फोन कट जाता है। वह काफी दुखी होता है और अपना मन टहलाने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। तभी थोड़ी दूर उसे एक पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे वह शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन जिस जगह पर सोना गड़ा हुआ था वो जगह यहाँ से काफी दूर थी, इसलिए वह प्लेन के कुछ पार्ट्स को अपने साथ ही ले आता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वह टेंट में ही सो जाता है, लेकिन जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि धूप की वजह से उसका चेहरा काफी मुरझा गया है। उसके बाद वह गड़े हुए सोने के पास जाता है और वहां खुद से ही बातें करने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वह पत्थर की सहायता से इस गड़े हुए सोने के एक छोटे हिस्से को तो तोड़ ही सकता है और वह ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। वह एक पत्थर की सहायता से सोने के टुकड़े को तोड़ लेता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे कीथ का कॉल आता है और वह वर्जिल को बताता है कि गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, इस वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वर्जिल उसे बताता है कि उसने सोने के एक बड़े टुकड़े को तोड़ लिया है। कीथ उसे बोलता है कि जितना जल्दी हो सकता है वह उसके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आ जाता वो उस सोने किस जगह से दूर न जाए। रात में वर्जिल वही आग लगाकर बैठ जाता है। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल आग की मशाल का सहारा लेता है। उसके बाद अगली सुबह वह पानी की बोतल निकालकर उसमें से थोड़ा पानी पीता है। तभी एक सांप उसकी ओर आने लगता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप वहां से भाग जाता है। सांप मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह वापस हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ हिस्सों को शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। तभी उसे दूर से एक अजनबी लड़की उसके पास आती हुए दिखाई देती है। उसे छिपने के लिए वह प्लेन के अंदर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की हवाई जहाज के पास आती है और वर्जिल को वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। वह वर्जिल को बताती है कि यह विमान उसके रहने की जगह है। वह उससे पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। वह औरत वर्जिल को खाना और पानी के बारे में पूछती है, लेकिन वर्जिल उस औरत से कुछ भी लेने से मना कर देता है। औरत को वर्जिल का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि यह आदमी कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वह वर्जिल से काफी सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से चला जाता है और वह उस लड़की को वार्निंग भी देता है कि वह उसके कामों में दखल ना दें। इस बीच औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वह उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और वर्जिल को वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह उसे जान से मार डालता है। उसके पास जो भी जरूरी चीजें थी वह उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास में ही गड्ढा खोदकर दफना देता है। कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ दिखाई देता है। वर्जिल उस कुत्ते को वहां से भगाता है और औरत के शरीर को वहां से घसीटकर थोड़ी दूर ले जाता है। उसके बाद वह उसके शरीर को आग लगा देता है। यह सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसकी इंसानियत जाग गई थी।
अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, तभी उसके पास फिर से कीथ का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि उसे मशीन तो मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे थोड़ा समय और लगेगा, जिसे सुनकर वर्जिल रोने लगता है, क्योंकि अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कीथ उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त और इंतजार करने के लिए कहता है। दिन में वर्जिल को अपने पास से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने के लालच की वजह से वह वहां से जाना नहीं चाहता था। वह रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे दूर से एक तेज तूफान उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन तूफान की वजह से शेल्टर भी हवा में उड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भागने लगता है, लेकिन तभी एक पेड़ की लकड़ी सीधा उसके पेट में आकर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है और वर्जिल की आंख खुलती है। तब वह खुद को एक रेत के ढेर में दबा हुआ पाता है, लेकिन सोने का लालच उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह अपने दर्द को भूलकर उस गड़े हुए सोने को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वह सोने के पत्थर वाली जगह मिल जाती है। उसके बाद वर्जिल अपने पेट में घुसी हुई उस लकड़ी को निकालता है। लकड़ी निकालते वक्त उसका काफी खून बह जाता है। उसके बाद वह कैन के ढक्कन को गर्म करके अपने घाव को सही करने की कोशिश करता है। वह अपने पूरे चेहरे पर राख लगाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि एक औरत धनुष बाण लिए हुए उसके सामने खड़ी है। इस औरत को देखकर उसे पुरानी वाली औरत याद आ जाती है जिसको उसने मार दिया था। वह औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। जब तक वह सही तरीके से होश में आता है तो वह उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई भरम हुआ है। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजता है और कीथ वर्जिल को बताता है कि वह उसके बहुत नजदीक आ चुका है। कॉल कटने के बाद वह औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी सहायता करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन सोने के लालच में वह उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वह औरत अपनी बहन के बारे में पूछती है। उसकी बहन वही लड़की थी जिसे वर्जिल ने मार दिया था, लेकिन वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह रोते हुए कीथ को कॉल करता है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीथ उसे कहता है कि वह बस पहुंचने वाला ही है। वर्जिल उससे जल्दी आने की भीख मांगते हुए रोने लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कीथ तो उसके पास में ही होता है, जो कि उसके मरने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह उस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद कुछ जंगली कुत्ते वर्जिल के शरीर को घसीटते हुए ले जाते हैं। बेजान वर्जिल की नजरें अभी भी सोने की तरफ होती है। कीथ दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। उसको लगता है कि जंगली कुत्तों ने वर्जिल को मार दिया है। उसके बाद वह अपने ट्रक के साथ वहां आता है। उसके ट्रक के पीछे खुदाई करने वाली मशीन भी होती है। वह नीचे उतरकर वर्जिल की लाश को देखता है और वह फिर से गाड़ी में कुछ लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वह जैसे ही वापस मुड़ता है, एक तीर सीधा आकर उसकी छाती में लगता है। कीथ मरने से पहले यह देखने की कोशिश करता है उसको यह तीर किसने मारा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। वर्जिल की हरकतों को देखकर उसे उस पर शक हो गया था और वह भी उस पर दूर से नजर बनाकर रख रही थी, इसलिए उसे गड़े सोने के बारे में पता चल गया था। उसने मौका देखकर आखिरी समय में कीथ को उसके कर्मों की सजा दे दी। इसके साथ ही है शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।